देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की उपासना से जीवन की हर बाधा दूर होती है। कल है देवोत्थान एकादशी का परम शुभ व्रत और इसीलिए आज हम आपको एकादशी पर श्री हरि की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे तुलसी विवाह की महिमा के बारे में। तो गौर से देखिए। कार्तिक माह की एकादशी करेगी कल्याण, श्री हरि से मिलेगा मनचाहा वरदान। कार्तिक मास में तुलसी का ध्यान, तुलसी पूजन से मिलेगा महावरदान। मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी का उपवास रखने और विधिवत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं सहजता से ही पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन देवोत्थान एकादशी की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी की दिव्य पूजन विधि। गन्ने का मंडप बनाए, बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको कि ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा तथा फल मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक जलाया जाता है, जो कि रात भर जलता रहता है। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। जो भी भगत सुबह नहा धोकर करके मंदिर में या तो भगवान में अपने घर में नारायण भगवान के सामने नहा धोकर करके पीला पोशाक वगैरह पहन कर करके अपने पीले आसन पे बैठ कर करके भगवान नारायण का या मंदिर में जाकर करके नारायण भगवान का पूजन करें, अपने को सबसे पहले पवित्र होएं, तीन बार आचमन करें, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, तीन बार ऐसे आचमन करने के बाद अपने को शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद हाथ में नारायण भगवान का अगर मंत्र आता है तो नारायण भगवान का मंत्र बोलें। उसके पश्चात अगर कुछ नहीं है तो अपना नाम और गोत्र से संकल्प करें। संकल्प करने के बाद भगवान को स्वतः, जैसे हम तीन बार भगवान को जल अर्पण करते हैं कि ओम पाद्योपाद्यम हस्ते मुखे सर्वांगे स्नानि, भगवान को, भगवान आपका मैं चरण धो रहा हूँ, आपका पाद्य धो रहा हूँ, आपके सारे शरीर का स्नान करा रहा हूँ, इस तरीके भगवान को फिर हम पंचामृत से भी स्नान कराते हैं, भगवान को वस्त्र देते हैं, भगवान को जनेऊ देते हैं, यज्ञ पवित्रम परमम पवित्रम जनेऊ देते हैं। उसके बावजूद भगवान को, नारायण को, हमें केसर का तिलक लगाना चाहिए, अगर केसर नहीं तो हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। आप दीपक आरती कर सकते हैं भगवान का। इस तरीके जो आप विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन करते हैं, भगवान नारायण आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर होने लगती हैं और शुभ विवाह का योग जल्द ही बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी को कैसे करें शीघ्र विवाह के उपाय। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, शालिग्राम को स्नान करा के उनको चंदन लगाएं, उनको पीले रंग के आसन पर बिठाएं, फिर तुलसी को अपने हाथों से उनको समर्पित करें, प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। ये उपाय परम शुभकारी है, इसलिए इस शुभ एकादशी के महामुहूर्त का लाभ उठाइए। इस दिन श्री हरि का ध्यान करें और एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। साथ ही ध्यान दें कुछ विशेष बातों पर, जैसे देवोत्थान एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी न तोड़ें। इस दिन माँ तुलसी और श्री हरि के शालिग्राम रूप का विवाह होता है। देवी तुलसी को लाल चुनरी भी जरूर चढ़ाएं, तुलसी के नीचे दिया जलाएं, इस दिन चावल का सेवन ना करें। देवोत्थान एकादशी के दिन
अपने मन को शांत रखें, घर में सुख शांति का सद्भाव बनाए रखें, किसी भी हालात में बुजुर्गों का अनादर ना करें। देवोत्थान एकादशी की शाम कुछ विशेष प्रयोगों से आप भी अपना जीवन संवार सकते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति पा सकते हैं।